रामगढ़ताल थाने की पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त टीम ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राहुल जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भागवत प्रसाद जायसवाल निवासी वार्ड नंबर 4 सलेमपुर बाजार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से 25 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने अभियुक्त को थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, उपनिरीक्षक हरिप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राव, इंद्रेश वर्मा, सुनील कुमार सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, भैया हाल पता रामगढ़ का प्रदेश भर में एनडीपीएस एवं अन्य ड्रग्स के सप्लाई एवं उनके रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर ने प्राथमिकता से अपने यहाँ पे चल रहे विभिन्न प्रकार के ड्रग्स पर कंट्रोल के लिए एक अभियान चलाया है। उसी अभियान के अनुक्रम में जनता से हमने अपील की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको इस तरह का ड्रग्स या कुछ बेचते हुए मिले तो ज़रूर बताएं। इस बात पर मुझे एक मुखबिर ने स्वयं मुझे आके बताया कि सर डोमवा ढाले के पास में एक घुमटी है, उस घुमटी के पास में एक व्यक्ति है, वो घुमटी की आड़ में गांजे की बिक्री करता है। उसको खुफिया तरीके से पता लगाया गया तो ये बात सच निकली एवं उसके बाद में एसओजी एवं थाना रामगढ़ताल की टीम द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया एवं पकड़े जाने पर फर्दर पूछताछ पे उसके पास से 25 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ है एवं ये गोरखपुर पुलिस की इस अभियान में पहली सफलता है, लेकिन अंतिम नहीं होगी। इसी प्रकार गोरखपुर पुलिस शहर एवं अन्य जगहों पर जहाँ कहीं भी विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का कोई बेचना या निष्कर्षण या कुछ भी हो रहा है, सप्लाई हो रही है, उसको रोकथाम के लिए पुरजोर कार्रवाई करेगी। तैयार किया गया है, जिसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थैंक यू। एसओजी टीम द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, उनको इस बात के लिए साधुवाद देते हैं एवं भविष्य में अच्छा कार्य करने के लिए भी हिदायत देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।